मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा का उद्देश्य पर्यटन गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इस नई वायु सेवा के तहत पहली फ्लाइट भोपाल से जबलपुर रीवा होते हुए सिंगरौली जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भोपाल एयरपोर्ट पर शुरू किए जा रहे नए टिकट बुकिंग काउंटर का भी उन्होंने उद्घाटन किया और यात्रियों को बोर्डिंग पास दिया। इस राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह में कई अतिथि शामिल हुए। बुकिंग करवाने पर पहले एक माह तक 50% की छूट मिलेगी। यह किराया वंदे भारत ट्रेन के किराए से भी कम है, जिससे यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक हवाई सेवा का लाभ मिलेगा। हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे माननीय खजुराहो के सांसद और श्रीमान प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और हम सभी मित्रों के साथ आज यहाँ पर्यटन मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एविएशन को लेकर, खास करके हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक जाकर दोबारा दोहराना चाहूंगा कि किसी भी जिले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवा को लेकर के, तो कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे। उस आधार पर उसकी जान भी बचाई जा सकती है और उसको उसके जीवन के लिए जो बेहतर हो सकता वो करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सौगातों के भरोसे से हमारे अभी तक के जो हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा ये तीसरा रास्ता खुला है।